क्वेश्चन नंबर 82 में एक ये सर्किट दिया हुआ है और स्विच को क्लोज कर देते हैं टी इक्वल टू जीरो। स्विच कुछ दिखाया नहीं है लेकिन मान लीजिए कि यहां पे कोई स्विच है और टी इक्वल टू जीरो पर क्लोज कर देते हैं। व्हेन द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर सी वन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो जब हम यहां पर इसको चार्ज को इसको बैटरी को क्लोज कर देंगे तो यहां से एक चार्ज एक करंट फ्लो करना शुरू होगा, वो C1 को चार्ज करेगा और वही C2 को भी चार्ज करेगा। तो ये इस प्रॉब्लम में मेन चीज जो आप समझने वाली ये है कि ये सीरीज में जो कैपेसिटर्स होते हैं उन पे चार्ज सेम होता है। यहां से कोई जब भी बैटरी स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो करना शुरू होता है। यहां पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। जितना नेगेटिव चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट होगा ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहां जाएंगे उतने प्लेट पर बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, और जितना फिर नेगेटिव चार्ज यहां होगा उतना फिर पॉजिटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट होगा। तो ये अल्टरनेट होता जाता है सीरीज में, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इसी वजह से सीरीज में सारे जो है चार्जेस सेम होते हैं। वही तरीका होता है जब जैसे सीरीज में करंट सेम होता है उस तरीके से कैपेसिटर के सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं। अब वो चार्ज होगा कितना उसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, ये दोनों कैपेसिटर चूंकि सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। जब सीरीज में जैसे कैपेसिटेंस होता है C1 C2 तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जैसे रेजिस्टर्स के पैरेलल वाले के इक्विवेलेंट होता है, तो इसको 1/C = 1/C1 + 1/C2 करके निकाल सकते हैं। या क्विकली वो करने के लिए आप याद रखिए C1 C2 / C1 + C2, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अब इस सर्किट को T = 0 पे क्लोज किया गया तो ये चार्ज इस पे धीरे धीरे से एक्यूमुलेट होना शुरू करेगा हो जाएगा, और उस पे जो चार्ज की वैल्यू होगी Q0 1 - e^(-tRC) के फॉर्मूले से होगी, जहां Q0 जो है वो चार्ज है जो एक्यूमुलेट हुआ होता इनफाइनाइट टाइम के बाद। यहां पर जो है एप्साइलन पे जो वोल्टेज होता वही एप्साइलन वोल्टेज यहां पर आ जाएगा, क्योंकि तभी करंट फ्लो करना बंद होगा जब यहां इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस तरफ जो वोल्टेज होगा उसी तरफ वही वोल्टेज इस तरफ भी होगा तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो या चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो उस समय क्यू यहां पर जो चार्ज होगा वो होगा सी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी मल्टीप्लाइड बाय उसका वोल्टेज ई एप्साइलन। तो क्यू इज इक्वल टू सी एप्साइलन मल्टीप्लाइड बाय 1 - e^(t/RC). सी की वैल्यू है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 / C1 + C2 1 - e^(-t/R), और सी की वैल्यू से देंगे C1 C2 / C1 + C2। अब यही चार्ज जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट पर होगा वही इंडिविजुअल कैपेसिटर पर भी होगा, वो हमने पहले जो है आपको समझा दिया।